दे झोली मैया भोली, अरे बिगड़ी बनाने आए हैं। रिवर्ब थोड़ा और तेरे दिल पे भजन भाव की चीज होती है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम गा रहे हैं बस हम ही बजा रहे हैं। भजन साथ में मिलके गाया जाता है, आपने देखा होगा जहाँ भी भजन होता है तो अकेले कोई नहीं गाता। गांव में भी जब भजन कीर्तन होता है 10-15 लोग, 4-5 लोग मिलके गाते हैं, झाल बजाता है, कोई गाता है। सही कह रहे हैं ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि भजन हो रहा है ना। डिंपल जी भैया थोड़ा सा आवाज खोल देना, म्यूजिशियन लोग को भी बड़ी खूबसूरत साउंड का खाली मिला ले लगे बाबा। और परम आदरणीय पिता तुल्य गार्जियन हम सबके एमएलसी आदरणीय सुनील जाजा जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार, लाखों लाखों पुरस्कार। इसके पहले भी हम इनसे मिले हैं, पटना में टकराए हैं, वो जगह बड़ी प्यारा सा माहौल था जिस जगह पे ये होते हैं। और मुझे तो लगता है कि जहाँ पे ये होते हैं प्यारा माहौल बन जाता है। एक बार इनके लिए जोरदार सा ताली बजा दे। थोड़ा सा एक बात कुछ कहो चाचा जी के बारे में। आई अब भैया जितना बाबा उतने में खींचला के काम बा, वो कही कि कहां से अलाउंसर आइल बा हमरा के डिस्टर्ब कर देले बा। हम तो तारा से डिस्टर्ब बने। आई आगे लगे काम बा। रिदम से वोकल का आवाज बढ़ा करके आप लोगों को सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज आ रही है ना? क्या बात है, खाली मंच पर बना दो। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, चैन मिलता है, सुरूर मिलता है। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, चैन मिलता है, सुरूर मिलता है। और जो भर दे छोरी मैया भोली, बिगड़ी बना।
जब भी देती है मेरी मैया तो दिल खोल के देती है। बोलिए सच्चे दरबार की। और जितने भी लोग यहाँ पे माँ से मांगने आए हैं वो मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे साथ गाएंगे, साथ में झूमेंगे क्या? तेरे दर पे माँ भिखारी सिर्फ संगीत को सुनने से ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर में जाने से भगवान। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? आप लोग भोजपुरी यहाँ बोलते हैं ना, हिंदी भी समझ में आती होगी मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। कोई एक्सप्रेशन नहीं, आप आराम से एकदम बैठे हैं, जैसे लग रहा है कोई मूवी चल रही है और सब बड़े शांति से देख रहे हैं आगे क्या होगा। थोड़ा लगना चाहिए कि आप भजन सुन रहे हैं कि संगीत को सिर्फ सुनने से ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। सच्चे दरबार की।